Hello everyone, myself Professor Vaidoswamy from Sri Swaminarayan Institute of Technology, and today I am going to deliver a lecture on Unit 5 of Traffic Engineering subject, and lecture name is Traffic, unit name is Traffic Geometry, and today we are discussing on lecture number 4, Traffic Island. So, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में. तो देखिए दोस्तों, ट्रैफिक ज्योमेट्री के जितने भी लेक्चर है यूनिट 5 में, हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में देखा कि कौन कौन सी इंटरसेक्शन है, ठीक है. उसके बाद कि इंटरसेक्शन एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कौन कौन से टाइप है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. आज हम लेक्चर 4 में देखेंगे ट्रैफिक आइसलैंड क्या है, उसके बाद हम ट्रैफिक आइसलैंड पे एक और लेक्चर देंगे, और इसी हिसाब से हमारा ट्रैफिक ज्योमेट्रिक का जो यूनिट है वो कंप्लीट होगा. सो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रैफिक आइसलैंड क्या है. सो बेसिकली ट्रैफिक आइसलैंड्स आर राइज्ड रेस्ट एरियाज कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोडवे टू एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल थ्रू विच द व्हीकुलर ट्रैफिक मे बी कटेड. कोई ऐसा राइज पोर्शन या तो राइज एरिया है जो कंस्ट्रक्ट, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना करते हैं वो हम रोड के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू यहाँ पे एक चैनल क्रिएट होता है, और उस चैनल के थ्रू हमारा जो फिजिकल चैनल क्रिएट होता है उसके थ्रू हम अपना जो व्हीकुलर ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको हम गाइड कर सके. तो बेसिक पर्पज ये है, जिसको हम डेफिनेशन के टर्म में समझाए तो ट्रैफिक आइसलैंड आर द राइज्ड एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोडवे टू एस्टेब्लिश फिजिकल चैनल थ्रू विच द व्हीकुलर ट्रैफिक मे बी गाइडेड. उसको हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि अ स्मॉल राइज एरिया इन द ट्रैफिक मिडल ऑफ द रोड विच प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर अ पेडेस्ट्रियन टू स्टैंड एंड मार्क्स अ डिविजन बिटवीन टू अपोजिंग स्ट्रीम ऑफ द ट्रैफिक. कि कोई ऐसा राइज एरिया जो मिडल ऑफ द रोडवे में हम कंस्ट्रक्ट करें या तो प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से जो पेडेस्ट्रियन है उसके लिए वो सेफ्टी प्रोवाइड करें, उसके साथ साथ वहाँ पे स्टैंड के लिए मार्क्स हो, डिविजन बिटवीन टू अपोजिंग स्ट्रीम के अलग अलग जो स्ट्रीम है उस ट्रैफिक की स्ट्रीम में, उसके लिए तो अलग अलग डिवीजन में हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक इनको दो डिवीजन में पड़ जाए. तो ये पर्पज से ट्रैफिक आइसलैंड को हम कंसल्ट करते हैं. जैसे कि हमने आगे देखा कि हमारा जो ट्रैफिक स्ट्रीम है उसकी वजह से ये, फॉर एग्जांपल मैंने छोटा सा यहाँ पे ट्रैफिक आइसलैंड लिखा गया है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक स्ट्रीम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये पर्पज है. अब और कुछ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें है कि अ ट्रैफिक आइसलैंड इज अ सॉलिड और पेंटेड ऑब्जेक्ट इन अ रोड दैट चैनल ट्रैफिक. क्या है कि एक सॉलिड और पेंटेड ऑब्जेक्ट इन अ रोड दैट चैनल ट्रैफिक, कोई भी चैनल ट्रैफिक के लिए एक सॉलिड पेंटेड ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हम ट्रैफिक आइसलैंड कहते हैं. इट कैन ऑल्सो बी नैरो स्ट्रिप ऑफ द आइसलैंड बिटवीन रोड दैट इंटरसेक्ट एट द एक्यूट एंगल. If the Iceland uses road marking only without rise curves or other physical obstruction, it is called painted Iceland or hostile Iceland. तो यहाँ पे मैंने एक example दिया है कि Iceland को यहाँ पे अलग तरह से object as a object रख दिया है, जिसके थ्रू हम traffic को divide कर सकते हैं, traffic stream को divide कर सकते हैं. तो इस हमने image के साथ यहाँ पे तो slide में देखा कि traffic Iceland किसे बोलते हैं. सो सिंपल मेथड से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी ट्रैफिक आइसलैंड, तो कोई भी राइज एरिया कंस्ट्रक्टेड विद इन द रोडवे टू एस्टैब्लिश द फिजिकल चैनल थ्रू विच द व्हीकल ट्रैफिक मे बी कट. तो इस चीज को हम आसानी से आइसलैंड कर सकते हैं, तो इसको हम ट्रैफिक आइसलैंड बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने देखा ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में, ठीक. सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग इमेज के साथ हम ट्रैफिक आइसलैंड देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये जो मीडियन पोर्शन है दोनों हाईवे का, ये मेरा पूरा हाईवे का कैरिज है, ठीक है. यहाँ पे बीच में अप्रोक्स 5 मीटर का आपको मीडियन दिखाई दे रहा है. तो ये जो मीडियन होता है वो भी वन टाइप ऑफ आइसलैंड है. तो हमने आगे बात की कि पेंटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो कोई भी पेंटेड और सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है मिडल ऑफ द रोड, तो उसको हम आइसलैंड बोलेंगे. तो कोई भी हाईवे पे भी हम आइसलैंड क्रिएट कर सकते हैं, जिसका पर्पज यही रहेगा कि हमारा जो ट्रैफिक स्ट्रीम है उसको हम डिवाइड कर सके इजीली. दूसरी बात कि यहाँ पे एक और इमेज के साथ देखते हैं कि जो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट में हमने पेंटेड किया गया है, तो ये जो पोर्शन है वो भी वन टाइप ऑफ ट्रैफिक आइसलैंड है. यहाँ पे अर्बन सिटीज में हम ऐसे बहुत सारे ट्रैफिक आइसलैंड देखते हैं,
जिसके थ्रू हम टोटली जो सर्कल है या तो 3 या 4 अप्रोचेज मिल रहे हैं हाईवे के और रोडवे के, तो उसमें ट्रैफिक को गाइड करना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पर ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं होता तो कॉन्फ्लिक्ट होना, ट्रैफिक कंजेशन और एक्सीडेंट के रेट बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो इस हिसाब से हम ट्रैफिक को गाइड कर सकते हैं, तो बेसिक पर्पज ये उसका रहता है। आगे हम उसके फंक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे। सो दोस्तों, फंक्शन की बात करें तो कौन कौन से फंक्शन है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट के लिए, तो फॉलोइंग फंक्शन आर फॉर द ट्रैफिक एक्सीडेंट आर। फर्स्ट वन इज टू सजेस्ट द पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल। तो क्या होता है कि टू सेग्रेट द पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल, तो जो हमारा हाईवे पर जो व्हीकल है, रोड यूजर है, तो वो दो टाइप के, एक तो व्हीकल यूजर्स है और दूसरा है पेडेस्ट्रियन जो हम चल के जाते हैं। ठीक है, थीके? तो पेडेस्ट्रियन और व्हीकल को सेग्रेट करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ट्रैफिक लाइट्स है। ठीक है, दूसरा फंक्शन है टू सेपरेट ट्रैफिक इनटू स्पेसिफाइड पाथ। तो क्या करता है कि हमने आगे भी देखा इमेज में कि जो ट्रैफिक आइसलैंड है वो ट्रैफिक को कोई स्पेसिफाइड पाथ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेपरेट कर देता है कि यहाँ से ये ट्रैफिक स्ट्रीम है, यहाँ से ये ट्रैफिक स्ट्रीम है। थर्ड वन इज टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज। फिर हमने आगे एक इमेज में देखा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, उसको अगर हमको कंट्रोल करना है, ट्रैफिक भी गाइड करना है, तो उसको हम एक्सीलेंट को गाइड कर सकते हैं। तो फोर्थ इज टू इंक्रीज सेफ्टी। ऑब्वियसली ट्रैफिक एक्सीलेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो सेफ्टी में भी इंक्रीज होना ही है। और लास्ट है टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। अगर कोई जगह पे हैवी ट्रैफिक है और कोई रीजन से वहाँ पे ट्रैफिक हो गया है, तो उस चीज़ को हम अगर डाइवर्ट करना है, तो अगर मेरे पास वहाँ पे ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो उसके थ्रू हम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक और मेजर फंक्शन है ट्रैफिक एक्सीडेंट के, वो हम यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया और देखे। तो बेसिकली क्या है कि टू सेपरेट द पेडेस्ट्रियन एंड व्हीकल, टू सेपरेट ट्रैफिक इनटू स्पेसिफाइड पाथ, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एरिया, टू इंक्रीज सेफ्टी एंड टू डाइवर्ट ट्रैफिक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स। तो दिस आर द मेजर फंक्शन ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट। देन नाउ वी डिस्कस ऑन द एडवांटेजेस ऑफ द ट्रैफिक एक्सीडेंट। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो बेसिकली हम सबको आगे जैसे कि हमने इमेज में देखा उसमें से पता चल ही गया कि ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, कोई भी ट्रैफिक स्ट्रीम को गाइड करने के लिए ऑन प्रैक्टिकल। सो बेसिकली इट प्रोवाइड अ स्मूथ एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो। क्या होता है कि अगर मैं ट्रैफिक को चैनलाइज में डिवाइड कर दूंगा थ्रू ट्रैफिक आइसलाइन, तो मेरा जो ट्रैफिक फ्लो है वो स्मूथ हो जाएगा और कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से कंजेशन कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम हो जाएगा। तो पहली चीज़ है। दूसरा, इट रिड्यूस द एक्सीडेंट एंड इंक्रीज सेफ्टी। तो क्या है कि ऑब्वियसली एक्सीडेंट रेट कम होगा, ट्रैफिक आइसलाइन के थ्रू हम ट्रैफिक को गाइड कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे और स्मूथली ट्रैफिक स्ट्रीम को अवॉइड कर सकेंगे, जिसकी वजह से उसकी एक्सीडेंट रेट कम हो जाएगा, उसकी वजह से सेफ्टी इंक्रीज हो जाएगी। इट गिव्स अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रैफिक। तो जिस एक ट्रैफिक है जो हम टोटली पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे, तो अलग अलग व्हीकल के लिए जो उसको यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए, तो वो हम ट्रैफिक एक्सीलेंट थ्रू दे सकते हैं। तो इसका तीसरा बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि वो है इट गिव्स द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रैफिक। और लास्ट एडवांटेज है उसका है कि नो नीड ऑफ पॉलिश कंट्रोल। अगर हम कोई भी पर्टिकुलर ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया में, हम हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत दिखाया जाता है कि जहाँ पे जंक्शन है, कि जहाँ पे कोई भी इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे 3 या 4 अप्रोचेस कंबाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको मेन फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कि तो पुलिस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर उस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है, तो क्या होता है कि पुलिस कंट्रोल की अगर नीड को कम करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलर ट्रैफिक एक्सीडेंट रख देंगे। ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से वही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में ट्रैफिक कंट्रोल होता रहेगा और पर्टिकुलर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैफिक स्मूथली जो ट्रैफिक फ्लो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से नो नीड ऑफ पुलिस कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल की जो नीड है वो बहुत ही कम रह जाएगी। यहाँ पे ये जो मेजर 4 एडवांटेज है यहाँ पे मैंने समझा है, जो है बेसिकली एडवांटेज ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, इट प्रोवाइड स्मूथ एंड कंट्रोल ट्रैफिक फ्लो, इट रिड्यूस द एक्सीडेंट रेट एंड इंक्रीज सेफ्टी, इट गिव्स यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रैफिक, नो नीड ऑफ पुलिस कंट्रोल,
तो ये चार चीजें हैं जो एडवेंटेबल है और काफी एक्सीलेंट। तो दोस्तों एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो जो हमारा ट्रैफिक फ्लो है उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें रहती है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है वो भी हमको देखना जरूरी है। एडवांटेज हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो कंज्यूम करता है यूजफुल ट्रैफिक एरियाज को। तो हम सबको पता है कि लैंड वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से लैंड प्रॉपर नहीं है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स एरिया है जहाँ पे अगर आपके पास प्रॉपर लैंड प्रोवाइड नहीं है तो उसमें भी आप ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोवाइड कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो एरिया है ट्रैफिक एरिया है वो कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे कोई व्हीकल के लिए प्रॉपर उतनी स्पेस या तो वो स्पेस नहीं बचेगी जिसके थ्रू जो व्हीकल है वो इजिली मूव हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मीडियम है कैरिज है वो 7 मीटर का होता है और हम उसमें से भी 1-2 मीटर का बीच में ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोवाइड करते थे अर्बन सिटीज में, अर्बन एरियाज में बेसिकली देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से लैंड बहुत ही कम बचती है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, तो वो कंज्यूम ज़्यादा ट्रैफिक एरिया हो जाता है। दूसरी चीज़ इट इंक्रीज ट्रैवल डिस्टेंस। बेसिकली क्या होता है कि कोई जगह पे लंबा यू टर्न है तो और वहाँ पे हमने प्रॉपरली ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोवाइड कर दी है तो उसकी वजह से क्या होता है कि व्हीकल को एक पूरा यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो कोई जगह पे इंटरसेक्शन को हम ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए जब ट्रैफिक एक्सीडेंट देंगे तो ट्रैफिक का जो ट्रैवल डिस्टेंस है व्हीकल का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो कंट्रोल करने के चक्कर में हम उसका ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ये तो डिसएडवांटेज रहेगा थोड़ा। और तीसरा है विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेंथ डिक्रीज। तो जैसे कि मैंने आगे बोला कि कैरिजवे की जो हमने विड्थ रखते हैं अर्बन सिटीज में अगर 2 लेन है तो उसकी अप्रोक्स लेंथ 7 मीटर है, ठीक है, 7.5 मीटर है, और बेसिकली सिंगल लेन है तो 3.5 मीटर है। तो इन सब के बीच में ट्रैफिक लेंथ की क्या होता है कि अगर मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोवाइड कर देता हूँ तो जो ट्रैफिक लेंथ की जो विड्थ रहेगी 3.5 वो डिक्रीज होती जाएगी, तो विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो ये 3 मेजर डिसएडवांटेज है किसके ट्रैफिक एक्सीडेंट के। तो कोई जगह पर मैं ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रोवाइड करूँगा तो बहुत डिसएडवांटेज जो रहने वाले हैं, एडवांटेज ज़्यादा रहने वाले हैं पर डिसएडवांटेज फिर भी कुछ रहने वाले हैं। उसमें से 3 डिसएडवांटेज है, इट कंज्यूम यूजफुल ट्रैफिक एरिया, इट इंक्रीज ट्रैवल डिस्टेंस एंड विड्थ ऑफ द ट्रैफिक डिक्रीज। और दोस्तों आगे बात करें कि टाइप्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आगे भी देखा कि बहुत सारे टाइप्स के ट्रैफिक एक्सीडेंट हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने इमेज में देखा था कि यहाँ पे हम इमेज में देखते हैं यहाँ पे हमको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये जो रोडवे है उसके बीच में भी मीडियम है, यहाँ पे भी मीडियम प्रोवाइड कर दिया है जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है, यहाँ पे ट्रैफिक कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे 4 अप्रोचेस है, ठीक है, अलग अलग इंटरसेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी 1-2-3-4-5-6 जगह पे अलग अलग ट्रैफिक एक्सीडेंट है, यहाँ पर भी जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसके भी पैटर्न अलग है। तो ये जो अलग अलग पैटर्न है तो ये क्या इसके टाइप्स हैं, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स है। अगर ये इसके टाइप्स है कौन कौन से टाइप्स है ट्रैफिक एक्सीडेंट के, तो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट जिसको हम क्लासिफाई करेंगे या तो कैटेगराइज करेंगे, तो उसमें से मेजर 4 टाइप्स है ट्रैफिक एक्सीडेंट के। उनमें से पहला है डिविजनल एक्सीडेंट, चैनलाइज एक्सीडेंट, पेडेस्ट्रियन लोडिंग एक्सीडेंट एंड रोटरी एक्सीडेंट। क्या है डिविजनल एक्सीडेंट, चैनलाइज एक्सीडेंट, पेडेस्ट्रियन लोडिंग एक्सीडेंट एंड रोटरी एक्सीडेंट। तो ये 4 टाइप के हमको कोई भी जगह पर ट्रैफिक एक्सीडेंट दिखाई देंगे। सो दोस्तों जो हमने 4 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में बात की, जैसे डिविजनल एक्सीडेंट, चैनलाइज एक्सीडेंट, पेडेस्ट्रियन लोडिंग एक्सीडेंट एंड रोटरी एक्सीडेंट, तो इन 4ों के बारे में हम बारी बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविजनल एक्सीडेंट क्या है। तो यहाँ पे आप 2 फिगर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे सबसे पहला पॉइंट है डिविजनल एक्सीडेंट। सो देयर आर इंटेंडेड टू अ सेपरेट अपोजिट ट्रैफिक फ्लो ऑन अ हाईवे विद अ 4 or more lanes। हम सबको पता है कि कोई भी जगह पे 4 या ज़्यादा लेंस का हाईवे है, ठीक है, तो उसको मुझे सेपरेट करना है। बेसिकली हाईवे
बेसिकली वहाँ पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो हाई स्पीड पे ट्रैफिक फ्लो होता है। सो देज आर इंटेंडेड टू अ सेपरेट अपोजिट ट्रैफिक फ्लो, कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो अपोजिट ट्रैफिक फ्लो है तो उसको टोटली सेपरेट करने के लिए जो हम यूज करेंगे तो उसमें उसका नाम है डिविजनल आइसलैंड। ऐसे हमने हाईवे पे बहुत बार देखा है कि जो ट्रैफिक फ्लो को डिवाइड करता है। दूसरी चीज, हेड ऑन कॉलिशन आर एलिमिनेटेड। तो जहाँ पे हेड ऑन कॉलिशन के चांसेस ज्यादा है, तो हमने देखा था कि एक्सीडेंट रेट में कि कॉलिशन वहाँ पे भी बोला हो रहा है, तो हेड ऑन कॉलिशन को कम करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए क्योंकि किस चीज का यूज होता है आइसलैंड में, तो डिविजनल आइसलैंड का यूज होता है। और यहाँ पे बात करें कब शुड बी हाई इनफ टू प्रिवेंट व्हीकल्स फ्रॉम एंटरिंग इन टू द आइसलैंड। तो बेसिकली कर्व्स शुड बी हाई इनफ टू प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम एंटरिंग इन टू द आइसलैंड। तो जहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कर्व प्रोवाइड कर दूँ तो उतने हाई इनफ होने चाहिए कि जिसके वजह से जो हमारा जो ट्रैफिक है तो वहाँ पे प्रिवेंट ना कर सके, तो वहाँ से एंटर ना कर सके। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तीनों जगह पे आइसलैंड है और उसके साथ साथ कर्व प्रोवाइड कर दिया है, जिसके वजह से ट्रैफिक एक दूसरे जो लेन है उसमें एंटर ना कर सकते। तो इस हिसाब से हम डिविजनल आइसलैंड का यूज़ करते हैं बेसिकली, जिसको हम यहाँ पे हमने इमेज में देखा कि तीन या चार लेंस है उसको डिवाइड करना है यहाँ देखे, तो उसको हम डिविजनल आइसलैंड के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं और ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप है वो है जनरलाइज आइसलैंड। तो जनरलाइज आइसलैंड के बारे में यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जनरलाइज आइसलैंड के बारे में डिस्कस किया कि जनरलाइज आइसलैंड क्या है। सो बेसिकली दे आर यूज टू ट्रैफिक गाइड ट्रैफिक इन टू अ प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। हम लोगों को पता है कि जहाँ पे टू और मोर हाईवे अप्रोचेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ट्रैफिक के एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम इंटरसेक्शन के वहाँ पे चैनल प्रोवाइड करते हैं तो जो चैनल है एज अ आइसलैंड उसको हम चैनलाइज आइसलैंड बोलते हैं। सो देज आर यूज टू गाइड ट्रैफिक इनटू प्रॉपर चैनल, कि प्रॉपर चैनल में ट्रैफिक को गाइड करने के लिए हम चैनलाइज इंटरसेक्शन को यूज करते हैं, चैनलाइज आइसलैंड का यूज करते हैं। तो बेसिकली देज आर यूज टू गाइड ट्रैफिक इनटू अ प्रॉपर चैनल थ्रू द इंटरसेक्शन एरिया। दूसरी बात है कि वेरी यूजफुल एज अ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस फॉर इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड। हम सबको पता है कि इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड मतलब कि जो एक ही लेवल पे ट्रैफिक के दो या तीन या चार अप्रोचेस वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हम इस हिसाब से ये जो पोर्शन यहाँ पे दिया गया है वाइड एंट्री के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस हिसाब से आइसलैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम चैनलाइज इंटरसेक्शन चैनलाइज आइसलैंड बोलते हैं, जो इंटरसेक्शन एट अ ग्रेड पे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसकी जगह वहाँ पे बेसिकली चैनलाइज आइसलैंड का यूज होता है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं कि ये जो फनल एंट्रेंस टू रिड्यूस स्पीड यहाँ पे दी गई है, ठीक है, उसके साथ साथ वाइड एग्जिट ब्रॉड थ्रोट दिया गया है कि जिसके थ्रू एंकरेज करता है कि अगर आपको रैपिड एग्जिट लेनी है तो यहाँ पे रैपिड एग्जिट के लिए एक जिसका मार्किंग किया गया होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं चैनलाइज आइसलैंड विद फनल एंट्रेंस एंड वाइड एग्जिट थ्रोट। तो ये वन टाइप हुआ जनरलाइज आइसलैंड का। दूसरा टाइप है कि शार्प एंट्री कर्व्स एंड फ्लैट एग्जिट कर्व फॉर स्पीड कंट्रोल। अगर स्पीड कंट्रोल के लिए इस तरह से, जब से आपने आइसलैंड देखा होगा कि अगर इसका इस हिसाब से शेप आ रहा है तो उसको हम शार्प एंट्री के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो कोई भी कर्व पे आपको शार्प एंट्री लेनी है या तो फ्लैट एग्जिट लेनी है तो उसको हम चैनलाइज शार्प एंट्री कर्व्स एंड फ्लैट एग्जिट कर्व फॉर स्पीड कंट्रोल का यूज करेंगे। और जहाँ पे चार अप्रोचेस मीट हो रहे हैं रोडवे के, तो वहाँ पे जनरलाइज टू प्रोटेक्ट राइट टर्निंग ट्रैफिक। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट टर्निंग ट्रैफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर राइट टर्निंग ट्रैफिक पर्टिकुलर राइट टर्निंग ट्रैफिक के लिए कोई इंटरसेक्शन या लेन प्रोवाइड करना है तो उसको हम जनरलाइज टू प्रोटेक्ट राइट टर्निंग ट्रैफिक बोलेंगे। तो ये तीन जनरलाइज है आइसलैंड जिसका हम बेसिकली यूज करते हैं ट्रैफिक, जहाँ पे ट्रैफिक इंटरसेक्शन पे एट अ ग्रेड लेवल पे जब ट्रैफिक हो रहा है तो उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सेकंड टाइप है ट्रैफिक आइसलैंड का वो है जनरलाइज आइसलैंड, जिसके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो
दोस्तों जो मेजर फोर टाइप है ट्रैफिक आइसलैंड के, डिविजनल आइसलैंड, चैनलाइज आइसलैंड, पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड और रोटरी आइसलैंड, इनमें से हमने डिविजनल आइसलैंड और चैनलाइज आइसलैंड के बारे में आज डिस्कशन किया है। ट्रैफिक आइसलैंड का जो ट्रैफिक आइसलैंड टू करके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम पेडेस्ट्रियन लोडिंग आइसलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और रोटरी आइसलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ कुछ टर्मिनल फैसिलिटीज है जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हमारी इस ट्रैफिक आइसलैंड के लेक्चर में आपको कुछ नया समझ में आया तो कोई डाउट हो तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब के लिए थैंक यू सो मच।